तो फिर आज हम लोग बनाएंगे भिंडी की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट। मैं ममता सिंह, मैं चला ममता है, संतोष ब्लॉक में स्वागत है। फिर नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। फिर तो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फिर आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी जो कि शरीर के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए फिर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देख सकते हैं मैं डलिया ले ली हूँ, आइए चलते हैं खेत में और आप लोग को भी दिखाती हूँ किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँगी। देखिए फिर मैं खेत में आ गई हूँ, आज मैं बनाऊँगी करारी भिंडी की सब्जी। तो देखिए फिर से फूल है, इसी में से फल निकलता है। देखिए ये फूल है, कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये छोटा छोटा भिंडी है, देख सकते हैं फिर बहुत बहुत छोटा छोटा है। तो यहाँ से जो भी बड़ा साइज का फिर उसको मैं तोड़ लेती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है एक, बहुत ही इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप लोग को सूखी सब्ज़ी बना के मैं दिखाऊंगी। तो इसको फिर मतलब कच्चा भी लोग खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, फिर तो आप लोग को खा के भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हैं इतना भिंडी मैं तोड़ ली हूँ, अभी बहुत सारे छोटे छोटे भिंडी है। तो देखिए फिर ये भी है, तो ये भी देख सकते हैं, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और फिर जब भी थोड़े हाथ में मतलब कि जो कि पोल्थीन बांध लें, इसमें बहुत ही नुकीला नुकीला काटा होता है जो कि हाथ में बहुत ही लगता है, कितने लोग के हाथ में खुजली होने लगता है। तो फिर मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैं हाथ में कुछ भी नहीं ली थी, तो मैं इसी तरह भिंडी तोड़ ली हूँ। तो देखिए फिर इतना सारा भिंडी निकला है और इसमें फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। देख सकते हैं फिर तो इसका जो कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, आप मसालेदार बनाएं, इसकी मोटे मतलब जो थोड़ा बीज पड़ जाता है, फिर इसका मसालेदार सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं सूखी सब्ज़ी आप लोग को बना के दिखाऊँगी। देख सकते इतना सारा भिंडी निकला है, वह बहुत सारे छोटे छोटे भिंडी है फिर, और ये हम लोग के मतलब इतना बराबर हो जाता है, भिंडी और बढ़ता है। फिर देख सकते हैं इस साइड का कितना ज़्यादा बढ़ा है, देख सकते हैं मेरे बराबर आ गया है, कंधे के बराबर फिर। तो ये फिर अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको मैं तीन दिन बाद भी फिर से तोड़ने लगा हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है। और ये फिर देख जो कि जो फूल लगाए थे, यही जो कि फूल जो ये देख सकते हैं कीड़े हैं, फिर भौरा है। देखिए फिर तिवरी की क्या नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स फूल को सारे देख सकते हैं इस तरह से, इसमें जो भी है फिर वो अच्छे से मतलब कीड़े खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड इतना भिंडी निकला है और चलते हैं नल के पास, इसको अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे देख सकते हैं ऊपर जो कि मिट्टी उट्टी रहता है, हवा चलता है तो लग जाता है फ्रेंड। तो चलिए इसको धो लेते हैं, चलिए चलते हैं नल के पास। तो फ्रेंड देख सकते हैं नल के पास मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं नल खोल लेती हूँ, फिर इस तरह से अच्छे से मैं धो लूँगी। फिर आप चाहे तो इस तरह से बाल्टी में पानी भर के फिर इस तरह से इसको धुल सकते हैं, फिर अच्छे से भी धुल जाएगा। इस तरह से बाहर निकाल देती हूँ, इस तरह से फिर तो देखिए फिर अच्छे से मैं धुल ली हूँ और इसको इस तरह से एक्स्ट्रा पानी जाली के नीचे फिर नीचे गिर जाएगा। सकते हैं यहाँ पर मैं एक चारपाई बिछा दी हूँ, इस पर कपड़ा बिछा दी हूँ, फिर इसको इस भिंडी को इस पर फैला दूँगी। थोड़ा धूप लग जाएगा फिर तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो फिर इस तरह से पानीदार मतलब बनाएंगे तो सब्ज़ी के जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा धूप लगेगा फिर, ज़्यादा नहीं। इस तरह से हाथ से मैं फैला दूँगी इस तरह से। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से भिंडी फैला दी हूँ, इसको 5 मिनट इस तरह से धूप जो पानी फिर मतलब वो अच्छे से धूप से सूख जाएगा। उसके बाद चलिए जो इसमें डालना है उसको मैं लहा लेती हूँ छत पर। तो चलिए चलते हैं फिर, तब से यहाँ पर धूप लग जाएगा आंगन में, तो चलिए चलते हैं छत पर। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं लहसुन अच्छे से छील ली हूँ और इसका छिलका लहसुन का उतार ली फिर, और यहाँ पर मैं हरा मिर्च दो ली हूँ। फिर देख सकते हैं इसको, फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से तीखा जितना खाते हैं उतना रख सकते हैं, तो मेरे बच्चे लोग कम तीखा खाते हैं फिर। और यहाँ पर मैं छोटे साइज का अदरक ली हूँ और बड़े साइज का प्याज। तो चलिए फिर सारे जो है इसको कट कर लेती हूँ। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं लहसुन अच्छे छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ और हरा मिर्च फिर अदरक को भी और प्याज को भी। तो चलिए फिर जो कि नीचे से लेके आंगन में से लेके आते हैं भिंडी, देखिए यहाँ पर सारे मैं कट कर ली हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको साइड में रख देती हूँ। तो फिर देख सकते हैं अच्छे से जो पानी है फिर मैं धुली थी, अच्छे से पानी अच्छे से सूख गया है। तो 5 मिनट हो गया फिर, तो चलिए इसको मैं इस डलिए में ले लेती हूँ भिंडी को। तो देखिए फिर सारे भिंडी अच्छे से सूख गए हैं। थोड़ा धूप में सुखाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि अच्छे से जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर पानी अच्छे से मतलब सूख गया है, तो चलिए इसको मैं हटा लेती हूँ। देख सकते हैं फिर इसमें कीड़े भी हैं भिंडी में, तो इसी डलिए में मैं सारा भिंडी ले लेती हूँ फ्रेंड्स।
देखिए छत पर मैं आ गई और भिंडी का जो फ्रेम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊपर का भाग का है इसको इस तरह से कट करना है और नीचे के भाग को भी कट करना है। तो इसको साइड में रख देती हूँ। फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब इस देख सकते हैं फिर इस तरह से मैं पतला रख रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग को थोड़ा पतला पसंद है। आप चाहे तो इस तरह से भी मोटा भी रख सकते हैं। फिर तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा ही कट कर रही हूँ। फिर देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है और लेकिन पतला है। फिर इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे भिंडी को कट कर लेती हूँ और बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। फिर जिस तरह से हम लोग मतलब मैं घर पर बनाती हूँ और फैमिली को सभी लोग पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद मेरे बाबू को हो, छोटे वाले बेटे को और हमको भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हमको कच्चा भिंडी पसंद है। तो देखिए फिर इसमें कीड़े हैं तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और दूसरा देख लेती हूँ क्योंकि इस टाइम के फिर कीड़े होते हैं भिंडी में। तो यहाँ पर मैं सारे भिंडी को कट कर ली। फिर तो चलिए चलते हैं इसको किस तरह से मतलब मैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाइए फ्रेंड बहुत ही अच्छी लगती है और आयरन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से साफ कपड़े में पोंछ लेती हूँ फ्रेंड और सरसों का तेल में मैं बनाऊँगी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल में डाल रही हूँ। जितना मेरा सब्जी है फ्रेंड उसी हिसाब से मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और भिंडी की सब्जी में फ्रेंड थोड़ा सा सरसों मतलब जो तेल है सरसों का तेल फ्रेंड वो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं तेल डाल दी हूँ और गर्म भी अच्छे से मेरा तेल हो गया है फ्रेंड देख सकते हैं। तो फ्रेंड और यहाँ पर मैं जो फिर अदरक कट की हूँ इसमें डाल दूँगी और फिर जो मैं लहसुन कट की हूँ इसको भी इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा लाल हो जाएगा फिर उसके बाद मैं हरा मिर्ची डालूँगी। तो थोड़ा सा इसको लाल कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन अच्छे से लाल हो गया फिर तो यहाँ पर मैं हरा मिर्ची डाल दे रही हूँ और हरा मिर्ची थोड़ा सा फिर चटक रहा है देख सकते हैं ऊपर भी आ रहा है तो थोड़ा सावधानी से। और एक फिर जो प्याज मैं कट की हूँ इसको भी इसमें डाल दूँगी और इसका फ्लेम जो फिर थोड़ा सा मैं धीमी रखूँगी तो इसको भी थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। फिर तो फिर देख सकते हैं प्याज भी थोड़ा सा लाल हो गया है। तो फिर जो मैं कट की हूँ भिंडी इसको इसमें मैं डाल दूँगी। तो मैं सूखी भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। आप इसको दाल चावल संगे रोटी संगे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो देख सकते हैं फिर इसमें मैं सारे भिंडी डाल दी हूँ और इसको इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी इसको देख सकते हैं फिर। और इसमें अभी नमक नहीं डालना है फिर या कोई भी मसाले ऐड अभी नहीं करना है तो मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी फिर। और इसमें बस हल्दी पाउडर और नमक ऐड करूँगी और कोई भी मसाले नहीं थे। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ देख सकते हैं अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ फिर और इसको अच्छे से मैं चला दी हूँ। तो इसको फिर अभी थोड़ा सा ढक देती हूँ। ढकने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा ये गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें नमक हल्दी ऐड करूँगी। इस चलिए फिर इसको थोड़ा देर तक ये ढक देती हूँ। चलिए इसको मैं हटा के आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो देखिए फिर कितने अच्छे से गल गया है। तो देखिए फिर इसको थोड़ा सा मैं चला देती हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा फिर स्वादानुसार नमक और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर फिर और कोई भी मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी फिर। आप चाहे तो इसमें मसाले अपने हिसाब से मतलब ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस यहाँ पर फिर देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको थोड़ी देर तक और ढक के पकाऊँगी। तो फिर इसमें जब भी हल्दी नमक डाले थे तो इसको ढक के ना पकाएं क्योंकि ढक के पकाने से जो भी इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो मतलब सब्ज़ी गीली हो जाती है। इसीलिए फिर इसको जब भी नमक हल्दी डालें तो इसको खुले में ही पकाएं इसी तरह। और इसके फिर देख सकते इसी तरह मैं इसको चलाऊँगी तो कुरकुरा भिंडी तैयार होकर मतलब फिर बहुत ही अच्छी इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो देखिए फिर कितने अच्छे से खिल के मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है। तो इसको मैं ढक के नहीं पकाऊँगी फिर इसी तरह फिर मैं सब्ज़ी को चलाती रहूँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितने अच्छे से जो कि सब्जी मेरा बन गया है फिर। और इसको फ्लेम धीमी फ्लेम पर पकाना है फिर तो अच्छे से सब्जी आपका बन जाएगा मतलब पक जाता है और कुरकुरा भी बन जाता है फिर। अगर हाई फ्लेम रहेगा तो सब्जी भी जल जाता है। तो चलिए फिर इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इसको सर्व करती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी ली हूँ और दाल फ्रेश और चावल। आप चाहे तो फिर इसको रोटी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए फिर कितने अच्छे से मेरा भिंडी बनके तैयार हो गया सब्जी। तो देखिए आप लोग को देख सकते हैं कितने अच्छे से अलग भी हो रहा है देख सकते हैं कितने अच्छे से सब्ज़ी मेरा पक भी गया है। तो फिर बहुत ही टेस्टी बनके सूखी सब्ज़ी वगैरह तैयार है और इसको मतलब खाएंगे मेरे देख सकते हैं यहाँ पर बाबू टेस्ट करेंगे और बताएँगे कैसा बना है मतलब सब्ज़ी। और सब्ज़ी भी उठा खाइए भिंडी का।
क्योंकि फ्रेंड्स मैं खाना खा ली थी इसलिए मैं नहीं टेस्ट करके आप लोग को बताई हूँ। तो देखिए बाबू खा रहे हैं और इनको भिंडी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इनका फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये गंजी पर हैं और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है फ्रेंड, तो बोल रहे हैं मेरा फेस मत दिखाई मम्मी तुम, कहते ठीक है। तो देखिए फ्रेंड और कैसा बना है बाबू आप मुँह से सही। तो फ्रेंड मेरे बाबू जो कि सब्जी का टेस्ट किए हैं और इस तरह से फ्रेंड बिना मसाले के मतलब हल्दी इस तरह से सब्जी हम लोग भिंडी का बना सकते हैं। तो फ्रेंड मैं टेस्ट नहीं की क्योंकि मैं भोजन कर ली थी इसीलिए, तो बाबू भोजन नहीं किए थे तो मैंने सोचा बाबू से आज टेस्ट कराते हैं और कैसा बना है। तो इस तरह से मैं फ्रेंड बच्चों लोग को बनाती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ और जितना हो सके फ्रेंड मैं हेल्दी खाना बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि घर का शुद्ध खाना बच्चों लोग को मिले और हेल्दी भी रहे शरीर के लिए। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। जो भी गलती उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।